फल तो हर एक बच्चा जो MBBS लेता है, MBBS लेना चाहता है, उसका सिर्फ एंड सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि भैया आगे जाके अच्छा डॉक्टर बन के पेशेंट्स की जान बचाए। सो MBBS के बाद MD या MS के अलावा आगे और भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा ना कोई सोचता है, ना ही मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को उसकी जरूरत भी होती है। बट कुछ बच्चे जो है मेजोरिटी वाले पोर्शन में नहीं आते हैं, जिनको लगता है कि मेडिकल फील्ड इज टू हैवी, हेक्टिक या तो स्ट्रेसफुल, जो 2-3 साल अक्सर MBBS में गुजारने के बाद कुछ कुछ बच्चों को लगने लगता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेडिकल फील्ड इज गेटिंग ओवर सैचुरेटेड, MBBS का कोई वैल्यू तो है नहीं, आगे जाके और भी 5-6 साल पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, या तो किसी भी रीजन की वजह से संभव उनको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? अगर आप टिपिकल स्टीरियोटाइप्स से हटकर कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो फॉर्चुनेटली देयर आर सम गुड एंड इवन बेटर ऑप्शन फॉर MBBS स्टूडेंट्स टू परस्यू इवन आफ्टर MBBS, जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग के साथ साथ आप रिलेटिवली कूल लाइफ भी मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बातें करेंगे जो मेरे हर वीडियो में अक्सर होती है। अब यहाँ पे मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि MBBS इज बेड, नो, आई एब्सोल्युटली लव माय फील्ड एंड इनफैक्ट MBBS इज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फील्ड इन द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट 95% बच्चे जो MBBS लेते हैं वो आगे जाके इसी फील्ड को कंटिन्यू करके उसमें अपना अच्छा खासा करियर भी बनाते हैं। बट ये वीडियो जस्ट आपको गाइड करने के लिए है, इन केस आप MBBS के बाद आगे जाके कुछ और पाथवे को फॉलो करना चाहते हो, या तो अपने पैशन या साइड हसल को फॉलो करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि फुल टाइम ही पूरा का पूरा करियर शिफ्ट करके उसको चूज कर लो, बट इवन पार्ट टाइम या तो साइड हसल के तहत भी आप कुछ भी नया करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको गाइड करेगा। एंड इट्स द नीड ऑफ आवर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन परसुइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। नंबर 1, MBA है। MBA सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना सारे पढ़ाई की इसलिए ताकि MBBS के बाद MBA की डिग्री ले? हाँ जी, इनफैक्ट MBA इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग एंड रिवॉर्डिंग ब्रांच आफ्टर MBBS। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल MBA की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IIM अहमदाबाद या तो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे जो MBA होता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से MBA करोगे तभी आपको उस लेवल का रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरे ही 2-3 फ्रेंड्स है जो अभी IIM अहमदाबाद से फुल टाइम मैनेजमेंट का कोर्स परस्यू कर रहे हैं MBBS के बाद। एंड इनफैक्ट टू योर सरप्राइज, मैंने खुद अभी 6 महीने का पार्ट टाइम हेल्थ केयर मैनेजमेंट का प्रोग्राम IIM अहमदाबाद से कम्प्लीट किया है। वाई? बिकॉज सेम सिचुएशन, मैं खुद भी मेडिकल फील्ड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में पैरेलली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, आज से 10 साल बाद भी लाइफ में मुझे कुछ भी इनोवेटिव करना है तो मार्केट एंड मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एंड सो मैंने वो कोर्स अभी जस्ट कंप्लीट किया है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज मैं वहां से सीखा हूं, जो आगे जाके हो सकता है मेरी लाइफ में अप्लाई भी करूं। सो ऐसा हरगिज नहीं है कि MBBS के बाद ऐसा कुछ करोगे आप तो आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अब आप पूछोगे कि सर MBA के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है, तो देखो आपने MBBS तो किया है एंड साथ में आपने अब MBA भी कर लिया, सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन कॉर्पोरेट मेडिकल, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। स्पेशली अभी जो जमाना चल रहा है, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की बूम हो रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग अप एवरी न्यू ईयर, एंड वो स्टार्टअप्स में स्ट्रेटजी फॉर्मेशन से लेकर प्रोडक्ट मार्केटिंग फाइनेंसिस हर जगह पे मैनेजमेंट के लिए हाईली क्वालिफाइड MBA ग्रेजुएट्स की हायरिंग होती है। एंड क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हो, आपको ये सारी चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है, इसलिए आपको नॉर्मल MBA की कंपेयर में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में। जैसे मेरो भी एक स्टार्टअप है, तो मेरे एक दो दोस्त है जो वहाँ पे MBA करके अच्छी खासी बिल्कुल 9-to-5 चिल लाइफ जी रहे हैं एंड अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। इनफैक्ट MBA के बाद आपको इतना सारा मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीजों की जानकारी हो जाती है स्टार्टअप्स के बारे में, आप खुद ही अपना एक स्टार्टअप भी खोल सकते हो। हाँ, बट आगे आने वाले सारे ऑप्शंस की तरह इसका भी यही एक कॉन है कि आप मेडिकल लाइफ से एंड पेशेंट इंटरेक्शन से दूर हो जाओगे, आपको जो डॉक्टर वाली फीलिंग है वो नहीं मिलेगी। बट अगेन इट्स योर चॉइस ओनली, आपको मेडिकल या तो डॉक्टरी लाइफ नहीं परस्यू करनी थी, इसीलिए ही आपने ये फील्ड चूज किया था, एंड सो आपको उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, UPSC। यस, यहाँ पे मैं UPSC CMS की बात नहीं करता हूँ जो अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। UPSC CMS यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको चिल लाइफ चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या तो रेलवे के अंडर में मेडिकल ऑफिसर की अच्छी खासी जिंदगी जीनी है तो। बट मैं यहाँ पे UPSC CSE की बात कर रहा हूँ, यानी कि IAS एक ऐसा वर्ड है जो हर एक इंडियन को फैसिनेट करता है। IAS का तो अपना एक अलग ही रुतबा होता है, एंड साथ में अगर आप डॉक्टर भी हो तो वो रुतबा दुगना हो जाता है। आफ्टर क्रैकिंग UPSC आप एडिशनल DM, DM से लेके ट्रेड डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी एंड पॉलिसी मेकर्स हर पोजीशन पे अपनी जगह बना सकते हो। एंड अगर चाहो कि मुझे डॉक्टर वाली फीलिंग भी चाहिए तो साथ में पार्ट टाइम फ्री में पेशेंट्स की सेवा भी कर सकते हो, कोई आपको रोकता नहीं। आप मानोगे नहीं, MBBS एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे UPSC में वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो रहता है, यानी कि जितने MBBS स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं उनमें से जितने MBBS स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उसका रेशियो। IAS रेणु राज, जिन्होंने अपनी एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया था। डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, जो उस टाइम पे ऑल इंडिया टॉपर थे नीट में एंड जिन्होंने AIIMS दिल्ली से MBBS किया, फिर भी मेडिकल फील्ड को छोड़ के UPSC का एग्जाम दिया एंड उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए थे।
डॉक्टर विजय कार्तिकेयन जो अभी तमिलनाडु में स्टेट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं। देर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड जिस हिसाब से एमबीबीएस में ओवर सैचुरेशन एंड यूपीएससी का क्रेज बढ़ रहा है, हर साल यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऑल्दो अब ये नंबर उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हर बैच से ऑलमोस्ट 1 से 3 बच्चे अपनी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 से 3 बच्चे 250 की बैच में कुछ नहीं होता है, बट स्टिल दिस इज द नंबर एंड उसमें से आगे जाके 1-2 बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं। हालांकि यूपीएससी क्रैक करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इवन डिफिकल्ट देन नीट पीजी, बट भैया जिद के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, नीट पीजी के लिए भी आपको जिद तो करनी ही है। ये यूपीएससी का एग्जाम आपको एक बार क्रैक करना है, उसके बाद आगे फिर एमडी एमएस डीएम एमसीएच किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है। प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है सारे के सारे जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं पूरे इंडिया में उनकी कंपैरिजन में। हालांकि आपको ऑप्शनल में एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप मेडिकल साइंसेस को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चूज कर सकते हो, जो मोस्टली को यूपीएससी स्पेसिफिक कोचिंग्स आपको पढ़ाते नहीं है, बट वो जो ऑप्शनल मेडिकल साइंसेस का पेपर है वो नीट पीजी कंपेयर में बहुत ही ईजी होता है एंड उसका सिलेबस भी उतना डीप नहीं होता है। सो आप एमबीबीएस के साथ साथ में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाते हो तो वो ऑप्शनल निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आप भी एमबीबीएस स्टूडेंट हो एंड अपने सेकंड या थर्ड ईयर से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, जो अक्सर आपको नीट पीजी के लिए भी करना होता है, यानी कि थर्ड ईयर से यूजुअली नीट पीजी की सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, तो डेफिनेटली एमबीबीएस के बाद इमीडिएटली आप यूपीएससी क्रैक करके विदाउट एनी एडिशनल डिग्री अपना करियर सेटल कर सकते हो। इवन कुछ लोग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस के साथ साथ भी यूपीएससी को क्रैक करते हैं। हाँ, साइड में आपको एक अच्छा कोचिंग रखवाना पड़ेगा स्मार्ट गाइडेंस के लिए एंड उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का प्रारंभ बैच, जो स्पेसिफिकली 2026 के एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। 3 साल का एक कोर्स होगा जिसमें फर्स्ट ईयर में जीएस एंड एनसीआरटी के बेसिक्स मजबूत कराए जाएंगे, सेकंड ईयर में जीएस एंड ऑप्शनल पे फोकस किया जाएगा एंड थर्ड ईयर में राइगरस रिवीजन एंड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ में आपको हर वीक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, चैट जीपीटी एंड और भी बहुत सारी स्किल्स तो सीखने को मिलेगी। वैसे तो कॉस्ट इफेक्टिव ही है, बट स्टिल अगर मेरा कोड DPW1K यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, एंटरप्रेन्योर। अब ये एक थोड़ा सा रिस्की, डिफिकल्ट एंड डेयरिंग एडवेंचरस पाथवे है, बट भैया रिस्क है तो इश्क है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलता है एंड दिस फील्ड कैन लिटरली अर्न यू इन करोड्स। आगे हमने MBA देखा जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट जो लोग वो MBA ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं वो होते हैं भैया एंटरप्रेन्योर्स। एंड इवन एज ए MBA आपको थोड़ा बहुत चिल लाइफ छोड़ के कुछ इनोवेटिव करना है तो आप एज ए MBA ग्रेजुएट्स भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई एडिशनल डिग्री या पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट्स दैट सिंपल, बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए दुनिया को बदलने का। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन लाके लोगों की लाइफ्स को बेटर बना सकते हो तो दैट इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। अभी हमने फिजिक्स वाला की बात की, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग पांडे जिन्होंने ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला बना के रखा हुआ है, ओला, उबेर, ओयो, ये सारे के सारे जितने भी है वो स्टार्टअप्स है। हालांकि उनके फाउंडर मेडिकल फील्ड से नहीं थे ऑब्वियसली। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है आपके सामने भैया मैरो। यस, मैरो के सीईओ डॉक्टर दीपू सेबिन सर, जो खुद एक एमडी मेडिसिन है एंड जिन्होंने अपनी एमडी मेडिसिन की रेसिडेंसी के दौरान ही एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था डेली राउंड। वो एक केस बेस्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म था जिसकी सक्सेस के बाद उन्होंने कुछ ही साल में मैरो लॉन्च किया, जो भी एक बहुत ही अच्छी सक्सेस पे पहुंच चुका है एंड पिछले कुछ सालों में इंडिया के टॉप प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप्स में नाम आ चुका है उसका। ये कोई मेरो का प्रमोशन नहीं है, बट डॉक्टर दीपू सेबिन सर को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ एंड उनकी जर्नी को मैंने पहले से देखा हुआ है, सो एक जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल देके आपको मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके अलावा अपोलो ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर प्रताप रेड्डी, नारायणा हेल्थ के फाउंडर डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर सुनीता महेश्वरी ऑफ टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस एंड डॉक्टर दर्शन पटेल ऑफ स्मार्टिक्स। नहीं नहीं, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। ये सारे जो एंटरप्रेनर्स हैं उनके तो नक के बराबर भी हम नहीं है, बट यस, हमने भी अपना एक छोटा सा स्टार्टअप लॉन्च किया है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज टू हेल्प, गाइड एंड मेंटर MBBS स्टूडेंट्स विथ यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू क्रैक ऑल द नेशनल पीजी एग्जाम्स विथ टॉप रैंक। ऑब्वियसली एंटरप्रेनर बनना जितना आसान आपको लगता है उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट भी है। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, एफर्ट्स एंड दिमाग लगाना पड़ता है, खाने का खेल बिल्कुल भी नहीं है। खोलने से तो कुछ लोग खोल भी देते हैं बट आगे जाके 1-2-5 साल में फेल भी हो जाते हैं एंड बहुत बड़े कर्ज में भी डूब जाते हैं, बट दैट इज द ऑप्शन। अगर आप इंडिया के हेल्थ केयर या मेडिकल या फार्मा फील्ड में कुछ बहुत ही इनोवेटिव करके एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालना चाहते हो एंड एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आप अच्छे से सक्सेसफुल भी हो सकते हो। नंबर 4, हेल्थ फिटनेस और एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर। यस, आइडियली बदलते जमाने के साथ हमको भी बदलना चाहिए एंड डिजिटल एरा में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा नेम, फेम एंड रिवॉर्ड दे सकती है
तो वो है भैया सोशल मीडिया। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आजकल तो MBBS में एंटर होती है, अपनी चैनल बना के छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, एंड उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। एज अ स्टूडेंट अगर आप कोई साइड इनकम का सोर्स एक्सप्लोर कर रहे हो तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट दिखने में जितना ईजी लगता है उतना ईजी होता नहीं है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ लर्निंग्स एफर्ट्स एंड एनर्जी टू रीच एट दैट लेवल जहाँ पे आप महीने के हार्डली 5,000 भी कमा पाओ, एंड उसके बाद भी वो कंसिस्टेंट सेम इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर नहीं करते हो कंटेंट तो आपकी चैनल डेड भी हो सकती है। वैसे तो एक लेवल के बाद बहुत सारे नॉन मेडिकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी जॉब या तो कैरियर छोड़ के फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉर अ डॉक्टर मैं ये चीज आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको अपना पूरा फोकस इन्फ्लुएंसर बनने पे शिफ्ट नहीं करना है। इस ऑप्शन को आपको जस्ट एज अ साइड पैशन की तरह फॉलो करते रहना है, एंड इट्स एब्सोल्युटली मैनेजेबल। इवन कितनी भी ज्यादा हेक्टिक ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, आपके सामने ही एक सुप्रीम एग्जांपल बैठा हुआ है। सर्जरी की रेसिडेंसी के साथ साथ ये चैनल को अच्छे से ग्रो भी किया है, एंड आगे भी करता रहूंगा आपका प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा तो, एंड आई एम श्योर आपका प्यार हम बाइज्जत अर्न करेंगे। इतना यूनिक, अच्छा, प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल कंटेंट आपको देते रहेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 5, मेडिकल कोचिंग फैकल्टी। यस, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको आप साइड पैशन बना सकते हो, एंड कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ये फील्ड आपको लिटरली करोड़ में अर्न करके दे सकता है। बट सर, ऐसी नेशनल फैकल्टी तो हर सब्जेक्ट में सिर्फ पूरे इंडिया में 4-5 होती है, उसमें हम कहाँ से बन पाएंगे? तो लेट मी क्लियर वन थिंग फॉर यू, आप किसी भी लेवल पे हो भैया, आने वाले 3-4 या 5 साल में आप भी एक अच्छी फैकल्टी बन सकते हो। जस्ट वो पैशन लाना पड़ेगा अपने अंदर, सब कुछ पता चलेगा एंड बाकी की चीजें सीख जाओगे। सिलेबस, नॉलेज, पर्सनालिटी सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली बन भी जाएगा। मुझे याद है जब मैं 3rd ईयर या फाइनल ईयर में हुआ करता था एंड जब ऐसे कोचिंग के क्लासेस अटेंड करता था, तब मुझे भी ऐसे लिटरली फैसिनेटिंग लगता था कि यार नेशनल फैकल्टी वाले सर है या मैम है, कितने बड़े लेवल के सर है। हम तो टिपिकल एवरेज स्टूडेंट है, कभी उनके नाखून जितना भी बन जाए तो भी लाइफ सफल है, एंड आई एम श्योर आपको भी यही चीज लगती होगी। लेकिन आज सिर्फ 5 साल के बाद आप मुझे आपके सामने देख रहे हो, मेरे पास ऑलमोस्ट हर छोटे से बड़े कोचिंग्स के मेल्स आके रखे हैं, एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट 2-3 वेल नोन प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आ चुकी है। बट मेरे गोल्स एंड विजन्स पहले से ही डिफाइंड है, मुझे मेडिकल एजुकेशन एंड टीचिंग में नहीं जाना है, सो मैं उनको रिस्पेक्टफुली डिनाई कर देता। हर जगह पे पैसा देखने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। मेरे कुछ कुछ जो गोल्स है, मेरे लाइफ के कुछ कुछ पर्पस है, उनको फॉलो करना चाहता हूँ एंड उनको अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ। इवन तो बहुत बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस आए बड़ी बड़ी ऑफर्स के रूप में, फिर भी मैंने उनको डिनाई किया है, जस्ट कि मैं अपने आप को ऑनेस्ट रह के आप लोगों को अच्छे से सर्व कर पाऊँ। बाकी जो भी थोड़ा बहुत मुझे आपको सिखाते रहना है वो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे या तो अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे देता रहता हूँ। ऑब्वियसली नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर इजी, इवन इनिशियल कुछ ईयर्स में तो आपको मेडिकल फील्ड से भी डबल हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स लगते हैं, बट अगर स्मार्ट वर्क करते हो तो इट्स एब्सोल्युटली अचीवेबल। आगे जो भी 5 ऑप्शंस मैंने बताए उसमें से UPSC के अलावा बाकी के 4 ऑप्शंस तो मैंने खुद भी परस्यू करके रखे हुए हैं। IIM अहमदाबाद से अभी मिनी MBA का प्रोग्राम कर लिया, स्मार्टिक्स एंड ऐसे और एक दो आइडियाज पे वर्क कर रहा हूँ जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में गिन सकते हो। इन्फ्लुएंसर तो आपके सामने बैठा ही हूँ, अभी गाइड कर रहा हूँ, एंड फैकल्टी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना उसकी भी ऑफर्स आ चुकी है, एंड इट्स ऑल्सो टोटली मैनेजेबल थिंग फ्रॉम माय साइड अगर मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ तो। जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पे ओनली प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बातें होती है जो रियल में अप्लाई हो सके। इतना सारा फ्री गाइडेंस दे रहा हूँ भैया जो आपको करोड़ में अर्निंग करके दे सकता है, इतना फ्री सब्सक्राइब का बटन तो मेरे लिए बनता है। मेरी लाइफ के ऐसे ही और 11 बहुत ही यूनिक एंड स्मार्ट लेजेंस मैंने वीडियो में देकर रखे हुए हैं, यहाँ पे आ जाएगा देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।